और अब देखिए फायर ब्रांड योगी से 10 तीखे सवाल। हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ। पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, ये मान के चलना चाहिए। इस बात के लिए आपको मुझे कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। आप धन्यवाद नहीं देंगे, मेरी इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को। बिल्कुल, इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मा को सत्ता से बाहर करिए यहां से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को, सुरक्षा ना दे सके। दंगाइयों पर मैं जोर दे रहा हूं, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चार चार बार बरेली में दंगे हुए, बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर में चार चार महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, डरा हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम करती है, गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं, और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू आवाहनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में ला करके सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को ला करके सम्मानित किया जाता था। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे, ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो, लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और उस शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे शक्ति? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, क्यों दंगे नहीं हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, मैं जरा समझना चाहता हूँ, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नासूर हो, ये तो बात, चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं, नेता बाद में आए के पीछे उकसा रहे थे, वहां नेता बाद में आए हैं, कार्यकर्ता आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन दो बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा, उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की, और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए, वो काम सरकार का है, दंगा हुआ हुई लगातार हुई, आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है, और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल उठता है ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं उससे निपटने की जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं, सरकारों की, सरकार की, कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा, एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है उसको बदला जाना चाहिए। जी, जी, जी। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार, जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के।
बिना संकोच के, तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं, जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात कर रहे हो, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है। जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की बात करता हूं, मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर, वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं। योगी जी ठीक है, तालियां बजाइए आप लोग। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछ। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं, तो फिर लेकिन वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं तो हम हिंदी के नाम पर क्यों ना नाम रखें। सर सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे, जिस दिन मैं आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आज मेरा दिन है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? शहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था, भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शहनवाज हुसैन जैसा बने पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, लहराने की घटनाएं हुई हैं, गलत करेगा, लेकिन होना चाहिए, लेकिन ये कहकर आप पूरी आबादी को ये नहीं, पूरी आबादी की बात नहीं की, भारत में पाकिस्तान का पूरी आबादी की बात नहीं। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है, तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? हम लोग करेंगे, मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूँ, भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और ज्योतिषीय जो गणना है ये बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल किया, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हों या केशव मौर्य फिर राम मंदिर के, तो धैर्य रखिए, मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है, बड़ी महत्वपूर्ण, तो एक मैं सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ देर पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे, उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं, वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया, या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला फंसा है कोर्ट में? मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे, हमारा विकास कार्य जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं,
एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है, इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इस पे उंगली उठाई? अगर सरकार ऐसी बेईमानियां करती हैं तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश, मैं कह रहा हूं ना, की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है, और योगी जी आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ, हमने कहा हम अहिल्या बाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति मत और मजहब कहीं नहीं आता है। हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर वो दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। अच्छा, दोहरापन समाप्त होना चाहिए।